मेष राशि वाले हमारे दर्शक, वक्र शुक्र का होगा आपकी राशि से फोर्थ हाउस के अंदर चतुर्थ भाव में गोचर। क्या होगा, रखना होगा अपने मन को शांत और मानसिक अवसाद कर सकता है आपको हैरान परेशान। उपाय क्या रहेगा, शुक्रवार को यथा शक्ति चीनी का शक्कर का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर वक्री शुक्र के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र करेंगे आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर तृतीय भाव में गोचर। क्या होगा, हो सकता है आपके भाई बहनों से मन मुटाव, वाद विवाद और क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो सकती है कमी, आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। उपाय क्या रहेगा, छोटी कन्याओं को यथाशक्ति शुक्रवार को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिएगा, निश्चित तौर पर वक्री शुक्र के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र करेंगे आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर द्वितीय भाव के अंदर प्रवेश। क्या होगा, बन सकते हैं रोडपति से करोड़पति से रोडपति। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली आपके ऊपर अटैक कर सकती है, फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, रखना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा ध्यान। उपाय क्या रहेगा, माता दुर्गा के 108 नामों का जाप कीजिएगा प्रतिदिन, शुक्रवार शुक्रवार तो करना ही है, निश्चित तौर पर वक्र शुक्र के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि, वक्र शुक्र करेंगे आपकी राशि के अंदर ही गोचर, शुक्रदेव आपकी राशि में ही वक्री चाल चलेंगे। क्या होगा, उससे शुक्र के वक्री चाल से हो सकते हैं आप मानसिक रूप से परेशान, और क्या निर्णयों के प्रति रहना होगा सावधान, हमारे ही निर्णय हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन। स्टेबिलिटी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी माइंड की। उपाय क्या रहेगा, गौ माता को चारा खिलाइएगा, निश्चित तौर पर वक्री शुक्र के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र आपकी राशि से द्वादश भाव में चलेंगे अपनी चाल। क्या होगा, हो सकता है व्यर्थ का अपमान, व्यर्थ का अपयश, और क्या होगा, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जमानत के काम कर सकते हैं आपका बड़ा नुकसान। उपाय क्या रहेगा, मां दुर्गा को खीर का प्रसाद शुक्रवार को चढ़ाइएगा, निश्चित तौर पे वक्री शुक्र के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र करेंगे आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर, चलेंगे अपनी वक्री चाल। क्या होगा, हमारे जो बिजनेसमैन दर्शक हैं, उनके बिजनेस में, उनके प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और विशेष तौर पे नया व्यापार करने से बचना होगा, अभी दिस इज नॉट राइट टाइम टू ओपन द न्यू बिजनेस। उपाय क्या रहेगा, चींटियों को बुरा आटा खिलाइएगा शुक्रवार को, निश्चित तौर पे शुक्र के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र करेंगे आपकी राशि से टेंथ हाउस के अंदर प्रवेश। क्या होगा, उससे वर्किंग सेक्टर के अंदर आ सकती हैं कुछ परेशानियां, कुछ हर्डल्स, कुछ रुकावटें, और यदि नौकरी बदलने का आपके मन में विचार हो तो उस विचार को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिएगा, दिस इज नॉट राइट टाइम टू चेंज द जॉब। उपाय क्या रहेगा, चांदी की पायल किसी छोटी कन्या को भेंट कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र की वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र का होगा आपकी राशि से नाइन्थ हाउस के अंदर प्रवेश।
आपके भाग्य स्थान में वक्री शुक्र चलेंगे अपनी चाल। क्या होगा उससे? नहीं मिलेगा आपके लक, आपके भाग्य का 100% सपोर्ट। इसलिए आपको भाग्य पर कम और अपनी मेहनत पर ज्यादा विश्वास रखना होगा। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। उपाय क्या रहेगा? माता के मंदिर में इत्र और कमल का पुष्प शुक्रवार को अर्पण कीजिएगा। वक्री शुक्र के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र चलेंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में, एर्थ भाव में अपनी चाल। क्या होगा उससे? रखना होगा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। और क्या होगा? दुर्घटना से, रोड एक्सीडेंट से आपको बचना होगा, मेंटल डिप्रेशन से आपको बचना होगा। उपाय क्या रहेगा? सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा। वक्री शुक्र के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र करेंगे आपकी राशि से सेवंथ हाउस के अंदर सप्तम भाव में गोचर। क्या होगा उससे? हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, रोजी रोजगार के क्षेत्र में रहना होगा विशेष रूप से सावधान। उपाय क्या रहेगा? छोटी कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर वक्री शुक्र के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र करेंगे आपकी राशि से छठे भाव के अंदर गोचर। गुप्त शत्रु कर सकते हैं आपको हैरान परेशान। आपके हार्डवर्क से, आपकी कड़ी मेहनत से आपका भाग्य चमक सकता है। उपाय क्या रहेगा? गुलाब की खुशबू वाले इत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। निश्चित तौर पर वक्री शुक्र के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, वक्री शुक्र का होगा आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश। एजुकेशन के सेक्टर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान संबंधित चिंताएं आपको हैरान परेशान कर सकती हैं। उपाय क्या रहेगा? तुलसी माता के समक्ष प्रतिदिन शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। निश्चित तौर पर शुक्र के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी।